नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा है, आज का सवाल है, क्या 2024 का रिहर्सल चल रहा है? क्या ये ट्रेलर दिखाया जा रहा है देश को? और देश क्या इसको समझ रहा है, देख रहा है? इस देश के 141 करोड़ लोगों के सामने 141 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। आप देखिए, संख्याओं के साथ खेलना मोदी जी की पुरानी सगल रही है। और 141 करोड़ के मुल्क में आज 141 सांसद संसद से, सदन से बाहर हैं, निलंबित हैं। और इसे हम क्यों कह रहे हैं कि ये 2024 का ट्रेलर है? क्योंकि आशंकाएं लगातार बलवती होती रही हैं, मजबूत होती रही हैं कि 24 में मोदी जी आएंगे तो इस डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का आखिर होगा क्या? क्या हम सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐसे ही सांस खुलकर जी ले पाएंगे? क्या खुलकर बोल पाएंगे? हालांकि लबों पर पहरा आज भी, सांसों पर पहरा आज भी, चाहे वो संसद के भीतर घुसे हुए वो नौजवान हो, उनके मामलों की पटियाला हाउस कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें पेश की जा रही, चाहे वो दलीलें हों, और चाहे 141 सांसद बाहर ओपन संसद लगा करके बैठे हों, और वहां पर टीएमसी के एक सांसद जब सभापति का नकल उतार रहे हों तो गोदी मीडिया चीख चीख कर कहे ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर सभापति का नकल उतार रहा है एक सांसद। क्या सभापति का नकल उतारना इस लोकतंत्र के लिए खतरा है और सदन से 141 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाना ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए उठाए जा रहे कदम है? यही समझेंगे, इसी पर चर्चा होगी मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े, यानी इस कार्यक्रम में आज का ये बहुत ज्वलंत सवाल है, ज्वलंत मुद्दा है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक वानखेड़े जी। भाऊ, ये विषय सामान्य लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है, संसद में निलंबन होता रहता है। 1989 इसके पहले जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ था वो 63 सांसदों का निलंबन था। मैं पूरे के पूरे इस इतिहास को खंगाल रहा था। 2012 में 8 सांसदों का निलंबन हुआ था, और सोचिए आप, वो कांग्रेस के सांसद थे, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के सांसद थे, क्योंकि वो तेलंगाना बनाए जाने का विरोध कर रहे थे। कांग्रेस के सांसदों का निलंबन हुआ था और सरकार कांग्रेस की। आज विपक्ष के 60% सांसद बाहर बैठे हैं। ये क्या है? ये झलकी है जो अक्सर भाजपा का नारा भी रहा है कि अभी तो ये झांकी है और असली खेला बाकी है। तो क्या ये झांकी है? देखिए आशीष जी, हम बार बार कह रहे हैं और हम लगातार इस बात को दोहराते हैं, 2024 में यदि इसी मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी फिर सत्ता में आते हैं तो फिर इस देश का संविधान खत्म हो जाएगा, नया संविधान लागू होगा। नया संविधान में हो सकता है कि चाइना या रशिया जैसी स्थिति होगी जहां नरेंद्र मोदी जी आजीवन प्रधानमंत्री बने रहेंगे, कोई चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि चुनाव देश में खर्चा बढ़ाते हैं, चुनाव देश में विघटनकारी शक्तियों को लाते हैं, चुनाव नक्सली अर्बन को पार्लियामेंट में आने का चांस देते हैं, चुनाव जो है वो हिंदुत्व के खिलाफ है, चुनाव होना मतलब राम का विरोध है, ऐसे तमाम चीजें गढ़ी जाएगी और नरेंद्र मोदी मुख्य प्रधानमंत्री बने रहेंगे और फिर वही पूरा देश चलाएंगे। 2024 के बाद इस देश को भूल जाना होगा कि इस देश में लोकतंत्र भी है। इसकी एक झांकी अभी दिखाई देती है और ये अरोगेंसी लगातार बढ़ रही है, ये अहंकार है, ये जानबूझ के एक सिंपल स्टेटमेंट। पार्लियामेंट में सबका साथ सबका विकास की बात तो करते हैं, सबका साथ की बात कहां करते हैं? क्या विपक्ष सब में नहीं आता है? यदि विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री वक्तव्य दे या उसमें गृह मंत्री वक्तव्य दे, तो गृह मंत्री वक्तव्य देने में ऐसा क्या गृह मंत्री को है कि यदि वो सब्जेक्ट उनके लायक नहीं है, उनके प्रीव्यू में नहीं आता, तो फिर वो बाहर जाके चैनलों पे क्यों बात करते हैं इसी विषय पे?
चैनल जो है गोदी मीडिया के चैनल जो इनके दरबार में घुंघरू बांध के नृत्य करते हैं, पत्रकारिता को नीलाम कर देते हैं, ऐसे लोगों का प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट से भी बड़ा हो जाता है। किसी चैनल का स्टूडियो ये संसद सदन से भी पवित्र हो गया जहां वक्तव्य दिया जाता है। पार्लियामेंट में यदि वक्तव्य देंगे, सवाल पूछा जाएगा, जवाब देंगे, तो वो पार्लियामेंट के लिटरेचर में छप जाता है, लेकिन दैनिक जागरण में छापना पार्लियामेंट के डॉक्यूमेंट से भी बड़ा माना जाता है। शायद प्रधानमंत्री को लगता है कि दैनिक जागरण का प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट से बड़ा है, इसलिए वो दैनिक जागरण को साक्षात्कार देते हैं, लेकिन वो बात नहीं करते पार्लियामेंट में। सवाल है विरोध क्या मांग रहे हैं? मैंने कल भी कहा विरोधी क्या मांग रहे हैं? विरोधी मांग रहे हैं कि जो बच्चों ने कूदा है, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, इसके ऊपर बातचीत करें। स्पीकर कहते हैं कि भाई वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं देख लूंगा, सब मैं कर लूंगा। मैंने कल भी कहा कि हर आदमी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो फिर लोकसभा भंग कर दो, गरज क्या है लोकसभा की? कितना हजारों करोड़ों रुपए खर्चा होता है, क्या गरज है इनकी? आप आज आपने क्या किया? आज उन 50 लोगों को फिर आपने निकाल दिया सांसदों, उसमें 41 लोकसभा के हैं, 8 राज्यसभा के हैं। अभी तक कुल आंकड़ा जो है वो 141 सांसदों का हो गया, राज्यसभा लोकसभा मिलके। हमारे यहाँ विपक्ष मतलब जो सत्ता पक्ष के साथ नहीं, ऐसे 206 लोकसभा में सदस्य हैं और 126 राज्यसभा में। उसमें कुछ न्यूट्रल है जैसे BRS, YSR, BJD, BSP। यदि इनको अलग किया जाए तो 206 में से यदि हम 52 लोग निकाल दें जो इन पार्टियों के हैं, तो बाकी बचा हुआ 154, और 126 जो विपक्ष के, जो सत्ता पक्ष के साथ नहीं है ऐसे सांसद है, उनमें से 26 यदि न्यूट्रल तथा कथित जो बीच बीच में बीजेपी की बी टीम करके काम करते हैं, यदि इनको निकाल दिया जाए तो 100 हो जाते हैं। तो टोटल यदि आज हम देखें तो आपके पास 254 विपक्ष के सांसद है जो सत्ता पक्ष के खिलाफ मुकर उनके बात करते हैं, जो विरोध में खड़े। अब उनमें से आपने 141 को हटा दिया तो क्या बचता है आपके पास? आपके पास 40% बचता है, मतलब 60% विरोध करने वाले स्वरों को यदि आपने निष्कासन कर दिया। और निष्कासन अभी क्या होगा, आने वाले समय में ये परिपाटी होगी। भाजपा कोई अमर पट्टा लगा के नहीं आई है, इस देश में ताशाही होगी, जैसा हम कहते हैं कि 24 के बाद यहाँ पे एक नया तंत्र होगा, लेकिन अंग्रेजों का राज्य जहां सूरज अस्त नहीं होता था, उन अंग्रेजों को उखाड़ के फेंका है एक अहिंसा के भगवान ने, जो दो कपड़े अपने शरीर पे अधनंगा, वो भगवान का स्वरूप महात्मा गांधी, इसने मात्र शब्दों के बाण चला के, मैं मानता हूं इसमें बाकी लोगों का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो ये देश के लोगों ने उठा के फेंका है ब्रिटिश साम्राज्य को। भाजपा क्या है? ब्रिटिशर से तो बड़े नहीं है, मुगल अपने आप को ताकतवर समझते थे, अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक जो सर्वव्यापी था औरंगजेब, महाराष्ट्र के आगे बढ़ने नहीं दिया, मराठा छत्रपति की मृत्यु हो गई, संभाजी महाराज मारे गए, उसके बाद लगातार छत्रपतियों की मृत्यु हुई, उनके पत्नियों ने, ताराबाई ने संभाला, छोटे छोटे बच्चों को गद्दी पे बिठा के सरदारों ने संभाला, आखिर औरंगजेब जमीन पे दफना दिया गया, लेकिन इस देश के इस आजादी को वो नहीं कंट्रोल कर पाया। इस देश का बहुत गौरवशाली इतिहास है और वो इतिहास रिपीट होगा, और जब फिर लोकतंत्र लागू होगा आशीष भाई, तब ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे निष्कासन होंगे। तब भाजपा, मुझे याद है
जब 68 लोग निष्कासित हुए थे तो भाजपा कितना बड़ा विलाप करती थी और मीडिया साथ था उनका, बिल्कुल साथ दे रहे थे, क्योंकि तब भी हमको लग रहा था कि कांग्रेस ने जो किया गलत किया। विरोध को सुनना चाहिए, जगह होनी चाहिए, लेकिन यहां तो विरोध के लिए कितने हथकंडे अपनाए जाते हैं, किसी से केस लगवा दो किसी खिलाफ, किसी को कॉर्पोरेट में इन्वॉल्व करवा लो, छोटी छोटी बातों पे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम से अंध कर दो। वो बच्चे कौन से राष्ट्रीय सुरक्षा पे, राष्ट्रीय लोग बैठे हैं जो अंदर बैठे हैं, ये जो अंदर लोग बैठे हैं जिसमें बहुत सारे लोग व्याभिचारी भी है, भ्रष्टाचारी भी है, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस भी पेंडिंग है, ये लोग राष्ट्र है कि लोकसभा में दो लोग कूद के आ गए तो आपने कहा कि राष्ट्र विरोधी कार्यवाही की है। अंग्रेजों ने भी भगत सिंह को आतंकी कहा था, इतिहास में आज भगत सिंह पूजे जाते हैं, ये दो बच्चे भी पूजे जाएंगे, क्योंकि इन दो बच्चों ने अपने व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं, इस देश की बेसिक युवाओं की तकलीफें सरकार के सामने रखने का प्रयास किया था, क्योंकि सरकार के यहाँ सिर्फ वन वे ट्रैफिक है, मन की बात सरकार कहती है, जन की बात सुनने की औकात नहीं है। भाऊ एक गुस्ताखी में बीच में एक छोटा सा सवाल जोड़ूंगा, आपने कहा अहिंसा की प्रतिमूर्ति, अहिंसा के देव, अहिंसा के भगवान बापू गांधी, हमने तो गांधी को पढ़ा है, गांधी को जीने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया, लेकिन अंग्रेजों के सामने वो अहिंसा का भगवान, वो देवता, वो रूप, वो प्रतिमूर्ति मौजूद था। यहाँ पर तो जो ट्रेलर दिखा रहे हैं उसी खेमे में भगवान भी खड़े हैं। भगवान तो इस समय परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं। अब मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, एक्स देखता हूँ, जो आजकल ट्विटर एक्स हो गया है, वहां से कहते हैं भगवान साक्षात अगर अवतरित हुए हैं। इवन भगवान ही नहीं, वो तो भगवान को लेकर आए हैं। मैंने फोटो, मुझे आज तक वो जेहन में फोटो मेरे कैद है, जहां पर भगवान राम का बाल रूप राम लला मोदी जी की उंगली पकड़ करके चल रहे हैं और लिखा जा रहा है जो राम को लाए। तो इनको कैसे कोई भगा सकता है भाऊ, वो तो बापू थे, अंग्रेजों को भगा, यहाँ पे तो साक्षात भगवान है। रावण को भी अहंकार हो गया था कि वो साक्षात भगवान है, और राम को तुच्छ मानव कहता था, वानरों का और भालुओं के साथ मेरे साथ लड़ने आया, मैं तीनों लोगों को जीत चुका हूं, अजिंक्य हूं, इंद्र को जीतने वाला मेरा बेटा इंद्रजीत है। रावण के पास क्या कमी थी? हिटलर भी अपने आप को भगवान कहलाता था। जिन जिन लोगों ने अपने आप को भगवान का स्वरूप माना है, लोग आपको भगवान मानते हैं, स्वयं भू भगवान श्री कृष्ण का भी एक डुप्लीकेट खड़ा हो गया था महाभारत में, मैं ही श्री कृष्ण हूं ओरिजिनल, उसका क्या आश्रय हुआ? आसाराम अपने आप को भगवान कहते थे, क्या आश्रय हुआ? डेरा सच्चा सौदा भगवान कहता था, क्या आश्रय हुआ? स्वयं भू भगवान समाप्त होते हैं, भगवान की उपाधि जनता देती है, और ये उपाधि प्यार, मोहब्बत, सहनशीलता, त्याग इससे आती है। अहंकार को त्यागना होता है, अपने साथियों की भलाई सोची जाती है। जो इंसान सिर्फ स्वयं की फोटो और स्वयं के बारे में सोचता हो, वो देश का क्या भला करेगा? ये रामलला को मंदिर देंगे, इनकी औकात है मेरे आराध्य को, ये क्या प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? ये हर भारतीय के दिल में जो प्रतिष्ठित है उसकी ये प्राण प्रतिष्ठा क्या करेंगे? कुल मिलाकर ये देश एक तानाशाही प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहा है, और इसका ट्रेलर दिखाया जा रहा है। आवाज बंद की जाती है, पत्रकारों को जेल में डाला जाता है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का भयानक रूप से प्रयोग होता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है और भ्रष्टाचारियों को गले लगाया जाता है, दूसरे का सदाचार भी व्याभिचार दिखता है और अपने व्याभिचार के ऊपर भी चादर डाल के उसको सदाचार का रूप दिया जाता है,
500 करोड़ की बात करने वाले की अभी तो सरकार आ गई छत्तीसगढ़ में, अभी तो बघेल जेल में होने चाहिए जो लाल डायरी लेके घूम रहे थे प्रधानमंत्री जी, अब उस लाल डायरी का उपयोग कर लीजिए, अभी आपकी सरकार है राजस्थान में, क्योंकि लाल डायरी भी ढकोसला था, एक बोगस सिंबल था, 500 करोड़ का आरोप भी बोगस सिंबल था। हमने ऐसे कई आरोप देखे हैं 2014 से लेके आज तक, सिर्फ आरोप ही लग रहे हैं, सजाएं नहीं हो पा रही किसी को। लेकिन आपने अहंकार की बात कही कि अहंकार त्यागना होगा, अहंकार तो मोदी जी ने ऐसे ही आज संसदीय दल की बैठक में बिल्कुल बिना अहंकार के नजर आए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ये कुर्सियां खाली हो रही है, हो जाने दो, इस पर भाजपा के लोग आएंगे 24 में जीत के, ये सारी जो कुर्सियां खाली हो रही हैं सब भाजपा के लोग जीत के आएंगे। और एक चीज और जोड़ूंगा, मैं कल एक इंटरव्यू कर रहा था भाऊ, नरेंद्र मिश्रा नाम के एक अधिवक्ता हैं, उनके दुस्साहस को तो मैंने सलाम किया। इस दौर में वो चंद्रचूड़ साहब के दरवाजे पे चले गए, 3 तारीख को ही उन्होंने 15-16-20 पन्ने का पिटीशन बनाया ईवीएम और चुनाव आयोग दोनों को, तथ्यों के साथ उन्होंने पूरा बंडल लगाया है सबूतों का और पहुंच गए। तो कल इंटरव्यू में बताने लगे कि FIR की धमकियां, कई जगह मैं बात करता हूं तो लोग बात करने से घबरा रहे हैं, FIR की चुनाव आयोग की तरफ से या कहीं से भी कई जगहों से थ्रेट किया जा रहा है FIR को लेकर, जो झलकी कहा आपने, झांकी झलकी ट्रेलर जो नाम दे, ये झांकी या झलकी रुकेगी कैसे? इसको आज अगर ट्रेलर को डिलीट नहीं किया गया तो पूरी फिल्म तो देखनी ही पड़ेगी हमें भाव। अरे ये भारत देश है, उपमहाद्वीप है, इसका इतिहास भव्य है, यहां आक्रांताओं को जगह दिखा दी जाती है, जो लोकतंत्र के आक्रांता है, जो लोकतंत्र पे हमला करेंगे वो हमला वापस होगा, जैसा अब्दाली का हुआ, जैसा मुगलों को समाप्त होना पड़ा, वैसे ये लोकतंत्र के आतंकी भी खत्म हो जाएंगे। समय लगेगा, इस देश को फिर से एक आजादी की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि आजकल कुछ शब्द है अर्बन नक्सल जो यूज करते हैं बीजेपी के नेता, उनको इसका स्पेलिंग भी नहीं मालूम, इसका मतलब भी नहीं मालूम, उठाया शब्द लगाया जैसा राम लला के मायने ही नहीं मालूम। और चले राम की दुकान खोलने, ये क्या जाने कि गीता की कसम खाता हूं, एक मुख्यमंत्री बोलता है कि मैं गीता की कसम खा के कहता हूं कि अधिकारियों को नहीं छोड़ूंगा। अरे पहले गीता समझ, गीता की कसम मत खा, इतने बड़े मत बनो कि आप गीता की कसम खाओगे, गीता हाथ में पकड़ने का पहले औकात बनाओ अपनी। ये हिंदू धर्म को अपने हिसाब से परिभाषित कर रहे हैं, मतलब लोग, मतलब आप बताइए, प्रधानमंत्री के आंखों में पानी आया गुलाम नबी आजाद को देख के, कि भाई कांग्रेस के लिए गुलाम नबी ने कितना किया, जब मुख्यमंत्री थे तो मेरे लिए कितना किया, आज वो हाशिए पे है, कांग्रेस के गुलाम नबी के लिए आंसू है, अडवाणी जी और जोशी के लिए नहीं है, पड़ोस के पिता को लेके आंसू बहाते और ज्ञान देते हैं कि पिता की केयर करनी चाहिए, और अपने घर में जो अपना बाप है वो भूखा मर रहा है, अपने बाबूजी को एक गिलास पानी नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे और बोल रहे कि पानी पीना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं, बुढ़ापा आ गया है। बताइए, रामलला के दरबार में तो जब राम जी बुलाएंगे तो लोग मरणासन्न स्थिति में भी राम के दरबार में जाके अपने आप को जीवन पाते हैं। अरे अहिल्या एक पत्थर को हाथ लगा, पत्थर को पैर लगाकर उसको शोक मुक्त करके फिर से जीवित करने वाले राम, अब वो कह रहे कि राम लला के मंदिर में यदि जोशी जी जाएंगे जिनके घुटने रिप्लेस हो गए हैं, और अडवाणी जी आएंगे तो बुढ़ापे में उनको तकलीफ होगी, वो आना चाहते लेकिन हमने उनको कहा आपको आने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, गजब।
क्या अडवाणी जी की स्थिति इतनी है? अडवाणी जी ना भी जाए भाव, मजा आती अडवाणी जी और जोशी को व्हील चेयर पे मोदी जी ढकलते हुए लाते हैं कि हे पिताश्री, हे महापुरुष, आपने जो संघर्ष किया राम मंदिर के लिए, आज ये भव्य राम मंदिर खड़ा है, हम आपको दर्शन करने के लिए आए। ये श्रवण बाल का भारत है जहां कावड़ी में अपने अंधे माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को कावड़ में बिठा के श्रवण पूरी तीर्थ यात्रा करता है, भूल गए उस सहित अपने विरासत को। ये वो श्रवण बाल है जिन्हें अपने बुजुर्ग माँ बाप भारी हो गए, आओ मत तकलीफ होगी, श्रवण ने तो नहीं कहा था आओ मत तकलीफ होगी, वो अपने खंदे पे लेके गया था। मजा आती कि जोशी और अडवाणी जी को नड्डा जी और मोदी जी व्हील चेयर चलाते हुए ले आते तो पूरा देश गौरव के साथ देखता, लेकिन उनमें बोल दिया गया बिल्कुल नहीं आना आप। सवाल ये है कि वो आएंगे तो लाइमलाइट उन पे जाएगा, आएंगे तो वो चर्चा का विषय बनेंगे, प्रधानमंत्री कहां पिजरे जाएंगे, फोटो नहीं छपेगी, प्रॉब्लम दिखास और छपास का रोग है, प्रॉब्लम अडवाणी जी और जोशी जी नहीं है। ये क्या मापदंड बताएंगे? इसलिए मैंने कहा आने वाले समय में तो बाकी लोग भी निष्कासित होंगे, सिर्फ बीजेपी वाले होंगे अंदर, और अंदर जैसे ही सदन चालू होगा सबसे पहले नमो 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 करके अध्यक्ष जी ऐसा हाथ जोड़ के 3 बार नमो नमो करेंगे और बोलेंगे मैंने नमो नमन को कहा है, नरेंद्र मोदी को नहीं, नमो नमो बोलते भी है डरते भी है, रास्ता भी ढूंढते हैं। जब नमो ट्रेन का उद्घाटन हुआ तो बोले नमो मतलब नमन बोला हमने, नमो मतलब नरेंद्र मोदी नहीं, अरे बोलो नरेंद्र मोदी के नाम से ट्रेन है, क्या डरना उसमें। जब पटेल साहब का नाम हटा के जब मोदी जी का नाम लगा सकते हो स्टेडियम पे, तो फिर स्टेडियम आपका नाम देने में क्या हर्ज है? और फिर उसके बाद कोई राष्ट्रगीत नहीं होगा, कोई देशगीत मतलब वंदे मातरम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सबसे पहले जो लीडर ऑफ द हाउस है मतलब जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है, मैं आने वाले समय की पार्लियामेंट बता रहा हूँ आपको, वो जोर जोर से चिल्लेंगे चिल्लाएंगे अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। फिर आवाज लगेगी बा अबदब बा मुलायजा होशियार, सर नीचे नजर नीचे, बादशाह हिंदुस्तान, हिंदू विश्व हिंदू हृदय सम्राट, गंगा पुत्र विश्व गुरु, गंगा पुत्र महामहिम, फला फला पधार रहे हैं। अपने 2024 की बात होने वाला है, ये होने वाला है, राजदंड तो आ गया है नए इसमें। फिर स्पीकर महोदय उतर के आएंगे और बाकायदा सलाम बजाएंगे और पूछेंगे कि जापना, और शायद तब तक पार्लियामेंट में एक नई चेयर बनेगी ऊपर स्पीकर के ऊपर भी, वहां प्रधानमंत्री बैठेंगे, स्पीकर साहब पूछेंगे कि सर आपकी अनुमति हो तो, और फिर हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलने दिया जाएगा, जो वह सवाल जवाब नहीं होंगे वह बोलने के लिए अनुमति होगी। फिर वो बताएगा कि भाई साहब आपकी असीम कृपा से मैं चुनाव जीत के आया हूँ, आपके असीम कृपा से देश ने बहुत तरक्की की है, आपके असीम कृपा से कोई नहीं है, आपके असीम कृपा से किसान इतने खुश है, किसानों को इतनी इनकम हो रही है कि इनकम के मारे वो पागल हो गए हैं और पागलपन में आत्महत्या कर रहे हैं, पता नहीं इतना इतनी खुशी आपने दी है किसानों को। ये होगा, जर्मनी में यही हुआ था आशीष जी। आपने बिल्कुल संजय की तरीके से जैसे सजीव वर्णन किया है आने वाली कल की संसद का, उससे मेरे दिमाग में शशि थरूर जैसे अंग्रेजी के ऐसे ऐसे शब्द इजाद करते हैं कि जिसको शब्दकोश में अंग्रेजी के देखना पड़ता है कि है भी या नहीं है, तो मेरे दिमाग में एक नाइकोफोबिया आ गया, एक शब्द कि नाइकोफोबिया के दौर से देश गुजर रहा है। लेकिन कहीं भाऊ वो गलती आपने तो नहीं की है,
वो गलती, जो गलती आज संसद में, आप जिस तरह संजय का रूप धारण करके सजीव वर्णन कर रहे थे, वो गलती जो कल्याण बनर्जी ने की है, सभापति साहब नाराज हैं, आपसे भी नाराज हो सकते हैं, आपने जिस तरीके से वर्णन किया, सभापति साहब नाराज हैं और गोदी मीडिया और ज्यादा नाराज है। आज संसद में, संसद के परिसर में, सदन से बाहर जो निलंबित सांसद हैं, वो सारे के सारे बैठे, ओपन संसद लगा दिया। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी हैं, कल्याण बनर्जी ने धनखड़ साहब का, सभापति जी का नकल उतार, और नकल जब उतार रहे थे तो वहां पर मनोज झा थे, मनोज झा घूम घूम करके देख रहे थे, राहुल गांधी भी बड़े बड़े गौर से देख रहे थे उस रूप को जो सदन के भीतर धनखड़ साहब का देखे थे, वो बाहर कल्याण बनर्जी से देख रहे थे, मोबाइल निकाल के वीडियो बना रहे थे। वो क्लिप इस समय देश में जबरदस्त वायरल हो रही है, गोदी मीडिया उस पर मातम मना रही है, चीख पुकार रही है, और धनखड़ साहब का भी स्टेटमेंट आया है, वो भी बड़े नाराज हैं। ये बिल्कुल लोकतंत्र में ये कैसा तमाशा बना रखा है, ये लोकतंत्र का तो तमाशा बना दिया विपक्ष के लोगों ने। लोकतंत्र बचा कहाँ है जो तमाशा बनेगा? हाँ, गरिमा है कहाँ जो नीचे गिरेगी? गरिमा पद की नहीं होती है, गरिमा उस पद की बनाए रखने की जवाबदेही उस इंसान की होती है, वो जिस पद पे बैठा है। आशीष जी, यदि आप संपादक है न्यूज लॉन्चर के, तो उस संपादक पद की गरिमा आशीष चित्रांश को बनानी है। यदि आपने छिछोरेपन पे उतर आए, तो आप ये नहीं कह सकता कोई कि भाई आशीष जी को आपने ऐसा कह के छिछोरा कह के पद की गरिमा, अरे उसकी पद की तो गरिमा, संपादक पद की तो आपने वैसे भी आशीष चित्राश ने खुद के व्यवहार से खत्म कर दी, अब बची क्या है? स्पीकर न्यूट्रल होते हैं। आप छोटी सी बात पे, आपको सवाल पूछने पे आप निष्कासन कर देते हैं, और विदुड़ी जी मात बहन करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, किसी को धर्म को लेके शब्द उछालते हैं, और उसका निष्कासन नहीं होता। तो ये दोहरे मापदंड जिस कुर्सी पे है, उसकी गरिमा तो पहले ही गिर चुकी है। और जहां गरिमा है ही नहीं, वह गरिमा पे सवाल क्यों उठते हैं? प्रश्न ये है, टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपए खर्चा होता है पार्लियामेंट पे, नई पार्लियामेंट में नए कानून है, शायद नई बिल्डिंग में जाते से ही संविधान में भी बदलाव। मैंने ये कहा ना कि नई पार्लियामेंट बनी इसलिए है कि संविधान वगैरह सब पुराने पार्लियामेंट में रह जाएगा, 2024 में जीत के आने दीजिए इनको, फिर देखिए। चित्रांश जी, एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है, वक्त खत्म होते होते, आपने कहा संविधान बदल जाएगा, ये इतने बड़े पैमाने पर, इसमें संवैधानिक लोगों से भी समझेंगे हम, बड़े पैमाने पर निलंबन हुआ है, क्या कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा तो दिमाग में नहीं चल रहा है कि कोई ऐसा बिल आने वाला हो जो दो तिहाई से पास करवाना हो? कुछ ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपने चर्चा की, मेरे मन में ऐसे ही आ गया कि सब के सब बाहर हो जाएंगे, अब तो दो तिहाई क्या तीन चौथाई से पास करवा सकते हैं जब सारे सांसद निलंबित होंगे। राज्यसभा, अच्छा दोनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पे एक साथ ये हालात हो रहे, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कुछ? नहीं, बिल भी नहीं लाना हो तो भी क्या करेंगे, ये तो बिल तो इनका पास हो जाता है दो तिहाई का भी। मैंने कहा ना आपको कि कल संसद में ये कहेंगे कि हमने वॉइस वोट लिया, नहीं डिवीजन लिया, वॉइस वोट से हमको पता है किसने क्या दिया, और हम मानते दो तिहाई हो गया, कौन रोकेगा? अब कौन रोकेगा? ये बड़ा प्रश्न है कि रोकेगा कौन, लेकिन जब जब ऐसी परिस्थितियां इस देश में पैदा हुई हैं, तब तब इस देश की जनता ने रोका है। इसी देश की जनता ने, अंतिम व्यक्ति जो होता है
सबसे गरीब, सबसे अंतिम, सबसे असहाय इस देश का व्यक्ति, वो ऐसे अन्याय होने पे सबसे ताकतवर बन के उभरता है। ये एक नहीं दसों बार इस भारतवर्ष ने देखा है। ये कलयुग है, इसमें भी देखा है, द्वापर और सतयुग में भी देखा है। भाव इसी देश में चलते चलते आजादी के पहले भी देखा है, आजादी के बाद भी देखा है। नहीं, और हमें उम्मीद भी है, इस चर्चा को विराम देते समय इस उम्मीद के साथ ही, इस देश में किसी पर भरोसा हो ना हो, लेकिन इस देश के लोगों पर भरोसा कायम रखना ही होगा, क्योंकि यही मुल्क है जहां पर एक नारा हुआ कि सड़कें खामोश होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और उसके बाद सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उस सिंहासन पे भी बैठा हुआ शख्स जो था, उसे गुमा था कि वो सिंहासन से कोई उतार नहीं पाएगा, उसे हिला नहीं पाएगा, लेकिन सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और जनता आई, सिंहासन खाली हुआ। इसको याद रखना चाहिए हमारे देश के हर नागरिक को, हर मतदाता को, इस लोकतंत्र के हर जागरूक इकाई को, और वो इकाई हम और आप हैं। फिलहाल आज के इस ज्वलंत मुद्दे पर, आज का ये मुद्दा बहुत ज्वलंत है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम, इस पर आपने चर्चा सुनी। आप भी अपने अंतर्मन में 2 मिनट का वक्त निकालिएगा, जिसे आप कहते हैं अपनी भारत माँ, उस माँ के लिए 2 मिनट का वक्त निकालिएगा, सुन करके इस चर्चा को सोचिएगा, सोचिएगा उस माँ का मस्तक कैसे, उस माँ का ललाट कैसे वैसे ही चमकता हुआ हो जैसा अतीत में रहा है। तमाम आए, भाव ने बहुत सारे उदाहरण रखे, तमाम आए और चले गए, लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन माँ जिसे हम कहते हैं वो माँ रहेगी, वो माँ शाश्वत है। इसलिए 2 मिनट का वक्त निकालिएगा, सोचिएगा, ये वक्त है अपनी माँ के लिए, इस लोकतंत्र के लिए सोचने और समझने का वक्त है। इस मुल्क में संसद में वो बैठा है, चर्चा में भाव ने कहा, वो शख्स बैठा है जो इस देश के पंथ निरपेक्ष आत्मा पर, धर्म निरपेक्ष आत्मा पर कलंक है, हीनियस क्राइम में उस विधुरी के उस वक्तव्य को गिना जाना चाहिए। इसी सवाल के साथ आपको हम छोड़कर जाते हैं, कल दोपहर फिर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में आपके साथ फिर किसी ज्वलंत विषय के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, आप जुड़े।